साधक की परिकल्पना है कि मेरा इसी जन्म में मैं भगवत प्राप्ति कर जाऊं, तो क्या वो गृहस्थ में रह करके जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है, संबंध होता है, वो उस बीच बीच में संबंध करके क्या वो उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है? इसलिए तो संसार आश्रम, गृहस्थ आश्रम तो इसलिए है विधि पूर्वक संसार में लिप्तता, संसार को कितना स्वीकार करना है शास्त्र निर्दिष्ट विधि अनुसार, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। पुत्र कन्या जन्म देना ये कोई अन्याय थोड़ी है ना, भूल है, लेकिन विधि पूर्वक उसके विधान है। खाओ, खाने में मना थोड़ी है, खूब बढ़िया बढ़िया वस्तु खाओ, खाने में मना थोड़ी है, लेकिन वो खाना जब हम ठाकुर जी के लिए निवेदन करके आज ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, कितना सुंदर बढ़िया बढ़िया वस्तु तुम्हारे जो मन चाहे वो वस्तु ला करके बड़े आदर के साथ शुद्धता के साथ ठाकुर को भोग लगाते हैं, भोग लगा करके प्रभु के प्रसाद जो है उसका सेवन करते हैं, तो हो गया तुम्हारा भजन, जोग हो गया। और वो जो अपने इंद्रिय सुख के लिए अपने पुत्र परिवार के लिए बना करके लोभ लालसा लेकर के जब उसको हम बनाते हैं खाते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो भोग हो जाता है, भोग ला करके खाते हैं तो वो जोग हो जाता है भावना। इसलिए जो विधि पूर्वक संसार जीवन में इंद्रिय भोग विषय में जो लिप्तता, वो विधि पूर्वक होने से वो कोई दोष नहीं लगता है, उसमें वो भजन में बाधक नहीं होता है। बाधक होता है अनियमित असंयत जीवन व्यतीत करना, अविधि पूर्वक जो संसार के प्रति संसार विषय में जो संलिप्तता, ये होता है अवैध, ये बंधन का कारण है, इसीलिए तो संसार है। लेकिन वैध भी अगर किया जाए तो ये जो संबंध होता है उस कुछ समय के लिए तो भजन से विक्षिप्तता तो आ ही नहीं, इस तरह से धीरे धीरे, तो एक बार जाता नहीं है, एक बार जाता थोड़ी है, जब तक शरीर में हम शरीर धर्मी है तब तक जाकर शरीर में आसक्ति के कारण ये जो इंद्रिय वृत्ति है ये कोई दोष नहीं है, जब तक शरीर है तब तक रहेगा। इससे लड़ाई करना, संग्राम करना, संयत रखने के लिए जो हमारी चेष्टा है, हमारे जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यही तो साधना है। ये बिना साधना तुम वहां पहुंचना चाहते हो? अरे ऐसा थोड़ी है तुम संसार छोड़ के जंगल गए यार, समस्त हमारे इंद्रिय शांत, इंद्रिय वृत्ति सब शांत हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा मत सोचो। वहां तो और तुमको अधिक, तुमको और प्रबल होकर के तुम्हारी इंद्रिय वृत्ति तुमको कहां से कहां ले जाएगा, सब जानते हैं जो खूब जंगल में जाके एकांत में भजन करते हैं, लेकिन बड़े बड़े साधक भी बह गए हैं, इतना सहज नहीं। इसीलिए संसार में रह करके तुम इंद्रिय संयम करने के लिए कोशिश करो, साधन करो। जैसे बहुत दुश्मन है, बहुत सारे दुश्मन है तुम्हारे चारों ओर, तो राजा लोग, पहले राजा लोग क्या करते थे, किला बनाते थे, किला बनाते थे माने किला के भीतर प्रवेश करना शत्रु के लिए असंभव होता था, तो ऐसे बनाते थे जो वो किला तोप से भी नष्ट नहीं होता है, ऐसे बनाते थे अपनी सुरक्षा के लिए, तो तोप के किला के अंदर रह करके लड़ाई करो, फिर जब देखो शत्रु पक्ष जब दुर्बल हो जाता है फिर जाके निकल पड़ो, जब शत्रु पक्ष प्रबल हो जाता है तब किला बनाते हैं। किस लिए? ना किला के अंदर खाना मिलता है, रसद मिलता है, विश्राम करने का भी समय है, सब मिलता है, तो संसार है किला के अंदर रह करके लड़ाई करना, इंद्रियों के निवारण करने के लिए, संयमित करने के लिए, ये गृहस्थ आश्रम है किला के अंदर रह करके। और तुम किला छोड़ करके जाओगे तो दुश्मन तो तुम्हारे साथ है, काम क्रोध लोभ मोह मद माद्य जो हिंसा देश लोभ लालच ये सब वृत्तियां, कहां जाओगे जंगल में? स्टोरी ऐसा होता है, जाके देखो ना एक बार, जंगल में जाके रह के देखो, पता चलेगा तुम्हारे इंद्रिय वृत्ति कहां कहां भागता है। फिर कभी तो क्या होता है, वृद्ध आचरण करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी अवैध भी अपना इंद्रिय भोग के लिए नाना प्रकार, कोई जान नहीं पाता है, बह जाते हैं कामना वासना का स्रोत में, ऐसा है ना। उतना साहस तुम जितना साहस समझते हो उतना साहस नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रह करके वैध हो, जितना शास्त्र निर्दिष्ट जो अनुशासन है अनुशासन मान करके तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान के लिए ठाकुर जी में
ठाकुर जी के लिए तुम समस्त को समर्पण करके उनके लिए तुम संसार रचना करो, तो फिर संसार बंधन का कारण नहीं। और आपने भोग के लिए, इंद्रिय सुख के लिए तुम जब संसार रचना करते हो तो जाकर के वो तुम्हारा बंधन का कारण होता है। फिर भी ये संभोग प्रक्रिया का एक समय अवधि कुछ तो होता होगा कि जो ना, इसका अवधि नहीं है। शरीर में जब तक आत्मबुद्धि है तब तक जा करके ये जो काम क्रोध लोभ आदि जो है ये रहेगा जाएगा नहीं। जब जितना हरि भजन के द्वारा भगवत चरण में मन संलग्न होता जाता है तत्त परिमाण धीरे धीरे मन इंद्रिय वृत्ति जो है ये संयमित तो होता जाता है। ऑटोमेटिकली इसके वृत्ति जो है ये धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है, धीरे धीरे संसार में रह करके अनुशासित जीवन व्यतीत के बिताने के लिए चेष्टा करने के द्वारा धीरे 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 संयमित करने के लिए प्रयत्न करते करते धीरे धीरे संयमित हो जाता है। एक लाइन आपने कुछ दिन पहले कही, बेसी हो तो बार हो, कुछ इस तरह की ना, वो तो अच्छा है। तो ये बात है, संसार बंधन का कारण नहीं। और भगवान ने कोई शास्त्र में ऐसा कहा नहीं, संसार में रहकर भगवत भजन होता नहीं है, भगवत प्राप्ति होती नहीं है, वो भगवान के परम भक्त हो नहीं सकते हैं, ऐसा कोई शास्त्र में कहा नहीं। हम बार बार कहते हैं, बल्कि संसार आश्रम का बहुत प्रशंसा किए हैं, लेकिन संसार आश्रम होना चाहिए, ये पशु पक्षी के ऐसे घोसला नहीं होना चाहिए, वो आश्रम होना चाहिए। आश्रम किसे कहते हैं? जहाँ हरि भजन होता है, भगवत चरण में समर्पित होकर समस्त परिवार हरि भजन ही जीवन के एकमात्र उद्देश्य लेकर के भगवत प्रसन्नता के लिए प्रभु को कर्ता मान करके स्वयं अकर्ता होकर के प्रभु के दास बन के जो संसार यात्रा निर्वाह करते हैं, यह है उत्तम, ये उत्तम संसारी है। वो संसार उसका बंधन का कारण नहीं होता है, वो संसार उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। और जब भोग लालसा लेकर के स्वयं कर्ता बन के इंद्रिय तृप्ति ही एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे उद्देश्य लेकर के जब हम संसार चक्र में भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर के कर्म चक्र में फंसते हैं, तो जाकर के वो बंधन का कारण हो जाता है।